महाराष्ट्र में मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में 5% आरक्षण मिलेगा। सरकार जल्द ही इसके लिए बिल लाने वाली है। इसके बाद नौकरियों में भी मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी की जाएगी। हालांकि बीजेपी ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार के मुसलमानों को पढ़ाई में आरक्षण देने के लिए बिल लाने के ऐलान के बाद ही राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने कहा है कि वो मुसलमानों को नौकरियों और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने के लिए भी आगे बढ़ेगी। तरह का हमने घोषणा की है, एक जिस आरक्षण को लेके हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी स्कूलों में महाविद्यालय में 5% मुसलमानों को आरक्षण देने में कोई भी एतराज नहीं है, उसको लेके अगर अलग से निर्णय लेके कानून बनाया जाएगा। पर बाकी विषय जो नौकरी का है या प्राइवेट स्कूलों का है, उसको लेके अलग कानून बनाने के लिए हम पूरी तरह से कानूनी सलाह मशवरा करेंगे, क्योंकि उसको लेके स्पष्टता नहीं हुई थी, वो निर्णय बाद में होगा। ऐसा ऑर्डिनेंस लैप्स करने का काम उस सरकार ने किया था जिनकी मानसिकता जात विरोधी है, धर्म विरोधी है। ओबीसी की फाइल पिछले 3 साल से एक ही टेबल पे घूम रही है। जो सरकार ओबीसी को न्याय नहीं दे सकी, वो मुसलमानों को कहाँ न्याय देगी। पर बीजेपी को मुसलमानों के लिए आरक्षण बर्दाश्त नहीं है। पार्टी का कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शिवसेना से यह जानना चाहते हैं कि जिस समय सरकार बनी तो किन किन चीजों पर सेटिंग हुई, किन किन चीजों को मान्यता दी। शिवसेना ने अपने आइडियोलॉजी छोड़कर, अपने विचार छोड़कर सरकार बनाने के लिए कौन से मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज किया। शिवसेना भी इस फैसले के पूरी तरह साथ है। महाविकास आघाड़ी की जो भूमिका होगी, ये जो कोई भी डिसीजन जो हाउस में लिया जाता है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से लिया जाता है, और ये तीनों पक्ष की आघाड़ी है, तो सबका मिलकर ये डिसीजन होगा। सरकार का प्लान इसी सत्र में शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण का बिल लाने का है, ताकि नए शिक्षा सत्र में मुसलमानों को आरक्षण का फायदा मिल सके। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक। एमएनएस ने सीए और एनआरसी का समर्थन तो किया ही है। राज ठाकरे की पार्टी एक कदम आगे बढ़कर कह रही है कि महाराष्ट्र में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में खबर देने वालों को वो 5,000 रुपए का इनाम देगी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के औरंगाबाद स्थित दफ्तर में एक नए अभियान की शुरुआत के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। ये अभियान है औरंगाबाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की खबर देने पर इनाम देने का। संभाजीनगर मध्ये अनेक सीमेचे कार्यकर्त्यांना अटक झाली होती यापूर्वी, आणि अनेक लोक इथे पाकिस्तानी आणि बांग्लादेशी आहेत, त्यांना जे लोक त्यांची माहिती पुरवण्याविषयी आमच्यापर्यंत आणून देतील त्या सर्व लोकांना आम्ही 5,000 रुपये इनाम देणार आहोत। आणि आम्हाला विश्वास आहे की या माहितीच्या आधारे जे घुसखोर पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी या संभाजीनगर औरंगाबाद येथे आलेले आहेत, त्यांना हाकलण्यासाठी मोठी मदत या दृष्टिकोनातून होईल। मुंबई के कांदिवली में भी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने यह अभियान चला रखा है। पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो एक दिन में ही उन्हें अवैध बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों के बारे में कई फोन आए हैं जिनकी वो जांच कर रहे हैं। सामान्य लोग रहते हैं, उनको भी इनकी जानकारी होती है, लेकिन पुलिस से को बताने के लिए इनको डर लगता है। तो ऐसे लोगों ने हमको उसकी जानकारी, इन लोगों की जानकारी दे, और जानकारी अगर सही निकली तो हम लोग उसको यहाँ से हमारी तरफ से 5,555 रुपए का इनाम देने वाले हैं। औरंगाबाद पुलिस का कहना है कि एमएनएस के इस कथित नए अभियान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, न ही इस बारे में उनके पास कोई शिकायत आई है। एमएनएस अब एक हार्ड कोर हिंदुत्व लाइन ले चुकी है। पार्टी में ये बदलाव 9 फरवरी के बाद आया, जब राज ठाकरे ने सीएए और एनआरसी की वकालत करते हुए अवैध पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र से बाहर करने की बात कही। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती और मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के नर्मदा में बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनसे दिल्ली हिंसा पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिंदगी की कदर होनी चाहिए।
ऐसा कोई भी मसला नहीं जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया नहीं जा सकता। अदनान ने कहा कि दिल्ली हिंसा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने ख्याल का इजहार करने का मौका मिला, लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला और कुछ मज़ेदार चर्चे हुए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ख़ास तौर पे आके इतना खूबसूरत यहाँ पे बनाया हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इतना खूबसूरत है, इट्स जस्ट जो आके देखेगा उसको समझ आएगी कि ये कितनी शानदार जगह है। और इसके इर्द गिर्द इतना खूबसूरत जो इन्होंने काम किया है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल, ब्यूटीफुल। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है, आई होप कि जल्द से जल्द अमन आए। मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैं हमेशा प्यार के मुतालिक बात करता हूँ, अमन के बारे में बात करता हूँ। मेरी गुजारिश है सबसे कि प्यार मोहब्बत से बातचीत करें, और क्योंकि जिंदगी जिंदगी की कदर करनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।